साथियों, भारत में आज ईज ऑफ लिविंग हमारी प्राथमिकता है। न्यू इंडिया में किसी को अपनी बेसिक जरूरतों के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए अनेक विध काम किए जा रहे हैं। आज जब आप भारत में रह रहे अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं तो आप परिवर्तन महसूस करते हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लूं, क्या आपको ये चेंज फील हो रहा है? भारत के तेवर और कलेवर बदलते दिख रहा है, पक्का दिख रहा है। भारत और भारतीयों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? माथा ऊंचा कर करके जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बीते 5 वर्षों में सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने पर बल दिया गया है। देश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए घर बनाए गए, घरों में टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन, ऐसी हर मूलभूत सुविधा पहुंचाने का हमने बीड़ा उठाया। आज भारत का लगभग हर परिवार बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। मोबाइल फोन, इंटरनेट भारत के सामान्य से सामान्य परिवार की पहुंच में है। दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा अगर कहीं है तो वो भारत में है। आज भारत में अधिकतर सर्विसेज की डिलीवरी डिजिटली हो, इसके प्रयास आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सामान्य से सामान्य परिवार को भी सोशल सिक्योरिटी की सुविधा दी जा रही है। इंश्योरेंस हो या पेंशन, बहुत ही मामूली प्रीमियम पर गरीब से गरीब को उपलब्ध कराई जा रही है। इतना ही नहीं, करीब 50 करोड़ भारतीयों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी की गई है। साथियों, यही वो बदलाव है जिसके कारण
130 करोड़ भारतीयों ने पहले से भी बड़े जनादेश से इस सरकार को चुन करके फिर एक बार आपकी सेवा करने का अवसर दिया है। हर भारतीय को ये विश्वास हुआ है कि भारत के सपने पूरे हो सकते हैं, आशाएं और आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं, संकल्प सिद्ध हो सकते हैं। भारत की इसी आस, इसी विश्वास के बल पर आपका ये सेवक नए नए संकल्पों को सिद्ध करने में जुटा है। हमारे लक्ष्य ऊंचे हैं, लेकिन जब आपके पास 130 करोड़ लोगों की भुजाएं हो तो हौसला मिल ही जाता है। भारत आज आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ सरकार की कोशिशों से नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भागीदारी से आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, मुझे कहने में संकोच नहीं है और मैं सर झुका करके कहना चाहता हूं, सरकार सिर्फ स्टीयरिंग पर है, सरकार सिर्फ स्टीयरिंग पर बैठी है, एक्सेलेटर पर देश की जनता का हौसला। मैं कर्तव्य से बंधा हुआ इंसान हूं, एक तरफ बहरीन उत्साह और उमंग से भरा हुआ है, देश जन्मोत्सवी का, कृष्ण जन्म का उत्सव मना रहा है, उस पल मेरे भीतर एक गहरा शोक, एक गहरा दर्द, मैं दबाए करके आपके बीच खड़ा हूं। विद्यार्थी काल से जिस दोस्त के साथ सार्वजनिक जीवन के एक के बाद एक कदम हम मिलकर के चले, राजनीतिक यात्रा साथ साथ चली, हर पल एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, साथ मिलकर के जूझते रहना, सपनों को सजाना, सपनों को निभाना, ऐसी एक लंबी सफर जिस दोस्त के साथ की, वो अरुण जेटली
भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, आज ही उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मैं इतना दूर यहां बैठा हूं और मेरा एक दोस्त चला गया, एक भारी व्यथा के साथ, दुख के साथ। और ये अगस्त महीना कुछ दिन पहले हमारी पूर्व विदेश मंत्री बहन सुषमा जी चली गई, आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। बड़ी दुविधा की पल है मेरे सामने। एक तरफ कर्तव्य भाव से बंधा हुआ हूं, दूसरी तरफ दोस्ती का एक सिलसिला भावनाओं से भरा हुआ है। मैं आज बहरीन की धरती से भाई अरुण को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं, उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति दे, ये प्रार्थना करता हूं।